वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों कि आईटीआई के फॉर्म भरने की पूरी प्रोसेस क्या होती है, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हो, आपको आईटीआई का फॉर्म किस तरीके से वेरीफाई होता है और आपको ट्रेड कैसे सिलेक्ट करनी होती है। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को जरूर दोस्तों लास्ट तक देखिए और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों आप 10वीं पास हो चुके हो और आपको 11वीं नहीं करनी है, आपको 11th नहीं करना है, आपको आईटीआई करना है, तो आपको उस कॉलेज से आपकी टीसी लानी पड़ेगी और आपके जो मार्कशीट मिलेगी वो भी लानी पड़ेगी दोस्तों, ठीक है। आप उस कॉलेज से ला लीजिए और टीसी, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल और डोमिशियल लेके आप कोई भी सीएससी सेंटर चले जाइए या साइबर कैफे चले जाइए, वहाँ पे आपको आईटीआई का फॉर्म भर के मिलेगा। आईटीआई का फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको पहले सीएससी सेंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको दो तीन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे आपको आपके जो 10वीं के मार्क्स है, जो मार्कशीट है और 10वीं की टीसी, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें लगेगी और आपका आधार कार्ड लगेगा और नॉन क्रिमिनल कास्ट सर्टिफिकेट लग सकती है, कास्ट सर्टिफिकेट भी लग सकती है दोस्तों, या नॉन क्रिमिनल या डोमिशियल भी लग सकता है, लग भी नहीं सकता है, ठीक है। जब आप आईटी का फॉर्म सीएससी सेंटर से या साइबर कैफे से भरोगे तो आपको कुछ इस तरीके के प्रिंट वो देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके के प्रिंट वो आपको देंगे। तो दोस्तों एक प्रिंट देने के बाद आपको समझ नहीं लेना है कि आपका फॉर्म भर कंप्लीट हो चुका है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या करना है, जो जो आपने डॉक्यूमेंट इस फॉर्म को भरने के लिए दिए वही डॉक्यूमेंट आपको जेरोक्स निकल के इस फॉर्म के पीछे लगाना है, ठीक है। इस फॉर्म के पीछे आपको वही डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं जेरोक्स लगा के, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, आपकी कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप लगा सकते हो कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल और डोमिशियल दोस्तों आप लगाएं इसको, और आधार कार्ड की जेरोक्स भी लगाएं, और साथ ही में जो आपको प्रिंट देते हैं साइबर कैफे वाले, तो ये प्रिंट भी आप उसको स्टैपलर से स्टैप कर ले, ठीक है। तो ये सब करने के बाद दोस्तों आपको आईटीआई कॉलेज जाना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो भी तालुके में आता है, उस आईटीआई कॉलेज को आपको विजिट करना है, वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको वेरीफाई कर लेने हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको जो आईटीआई कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको वेरीफाई की प्रोसेस वो बता देंगे, आपके जो जब आप आईटीआई कॉलेज में वेरीफाई करने के लिए जाओगे तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ में लेके जाना पड़ता है, जो जो आपको जो जो आपने फॉर्म भरने के लिए दिए वो भी डॉक्यूमेंट आप अपने साथ बैग में ले जाइए, और वेरीफाई होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से आपको देते हैं, ठीक है। ये मेरा पिछले साल का है इसलिए दोस्तों ये फट चुका है, मैंने आपको प्रूफ के लिए बताया, तो ये देंगे आपको और इस फॉर्म के साथ ये आपको देने वाले हैं, ठीक है। जो आपका पहला फॉर्म था आप ये डॉक्यूमेंट्स वो ले लेंगे सारे के सारे, जो भी जेरोक्स थे वो वाली, और आपको इस फॉर्म के साथ ये वाला स्टिकर देंगे, इसका मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुके हैं, और आप उससे दोस्तों 100 या 150 रुपये चार्ज कर सकते हैं इस वेरीफाई प्रोसेस के लिए, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं करना है, ठीक है दोस्तों, उससे ज़्यादा आप उनको पैसे ना दें। और जिससे आपका जो फॉर्म वेरीफाई हो जाएगा, वेरीफाई होने के बाद दोस्तों आप ट्रेड भर सकते हो, ट्रेड मतलब दोस्तों आप ट्रेड सेलेक्ट कर सकते हो, आपको इलेक्ट्रिशियन करना है या मोटर मैकेनिकल, ट्रैक्टर मैकेनिकल, डीजल मैकेनिकल, बेकरी एंड प्रोडक्ट्स, बहुत सारे ट्रेड आईटीआई में हैं, मुझे लगता है जहाँ तक कि 76 ट्रेड आईटीआई में हैं। अगर आपको 76 ट्रेड की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, और आपको उसके लिए बुक चाहिए तो आप अगर आईटीआई ऑफिस विजिट कर ही रहे हो इस फॉर्म को वेरीफाई करने के लिए, तो आप वहीं से भी 50 या 60 रुपये में एक बुक मिलेगी, वहाँ पर सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपको किस कास्ट वाइज आपको वहाँ पर लिस्ट कैसी लगने वाली है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस बुक में होती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।